इस वीडियो में हम लोग ये चीज सीखेंगे कि जो मल्टीपल जेपीजी जो फाइल होती हैं उनको हम लोग पीडीएफ फाइल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन। तो पहले हम लोग इसकी फाइल की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और यहां पे मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जेपीजी फाइल्स है और बाकी इसके साइज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको करना है हमने पीडीएफ में कन्वर्ट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चला जाना है वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग चले जाने हैं इंसर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास पिक्चर के ऑप्शन मांगेगा। तो यहाँ पे हमने जिस जगह पे हमारी पिक्चर सेव होंगी तो वहाँ पे हम लोग उसको सिलेक्ट करा देंगे। ये हमारे पास पिक्चर यहाँ पे सेव है तो हम लोग उसको सिलेक्ट कराएंगे। तो इस तरीके से जो मल्टीपल इमेजेस हैं एक ही वर्ड फाइल के अंदर आ जाएंगे। वरना इसके अलावा दूसरा मेथड भी है जिससे हम लोग इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमने कुछ इस अंदाज में पिक्चर को इंसर्ट करना है, हमने इसको छोटा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर यहाँ पे आ जाए, तो मैं जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पे जब आके छोड़ूंगा, यानी कि यहाँ पे इसको होल्ड करके जैसे यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं अपना होल्ड का बटन को प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो जितनी भी हम लोग इसमें पिक्चर्स हमारे पास जेपीजी फाइल्स में हो तो हम लोग उसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद हम लोग फाइल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगी। यहाँ पे हमने चले जाना है एक्सपोर्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट पीडीएफ। तो यहाँ पे हमें जाके यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद ये हमें नेम पूछेगा, तो हमने इसका नेम कुछ भी दे देना है फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी या तो ये पीडीएफ होगी या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। तो हमने यहाँ पे पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक टिक लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो है पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद ओपन हो जाए। उसके बाद इसकी जो साइज के बारे में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड साइज हो या मिनिमम साइज हो, और इसके बाद बाकी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो हमने यहाँ पे सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे पास जो जेपीजी जो फाइल्स थी वो पिक्चर की, वो अब पीडीएफ फाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस तरीके से हम लोग जो जेपीजी फाइल्स हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। अब मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बताता हूँ। इस मेथड में हमने पावर पॉइंट की स्लाइड्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने जहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है और पिक्चर को होल्ड करके यहाँ पे हमने छोड़ देना है। उसके बाद हमारे पास पिक्चर की जो साइज को हम अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे करा देते हैं। उसके बाद हमने इसको क्या करते हैं, सेकेंड होम पे चले जाते हैं और इसके बाद न्यू स्लाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पिक्चर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो एक तो यहाँ से हम लोग भी कर सकते हैं पिक्चर इंसर्ट। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर की जो लोकेशन होगी वो दे देंगे, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ से हमने एक चीज़ कर देनी है पिक्चर को इंसर्ट, और इस तरीके से हम लोग जो मुख्तलिफ पिक्चर हैं उनको वर्ड डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करते जाते हैं। अगेन हमने यहाँ पे न्यू स्लाइड कर देनी है और इंसर्ट पे जाके या हम अगर हम लोग इसको मिनिमाइज कर दें तो जो हमारे पिक्चर्स की लोकेशन होती है वहाँ से हम लोग कॉपी करके यानी ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली ये पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। जब जितनी भी हमारे पास जेपीजी इमेजेस हों उनको यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इनके हम लोग सेटिंग वगैरह करने के बाद आपने इधर चले जाना फाइल के ऊपर। इस पर जैसे क्लिक करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जैसे क्लिक करना है तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे जाएंगे तो आपसे ये पीडीएफ का नेम पूछेगा, तो इसको आप कोई भी नेम दे दें पीडीएफ का समथिंग जो आप नेम देना चाहें। और इसके बाद यहाँ से ऑप्शन है तो आपने यहाँ पे भी पीडीएफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगेन ये फाइल ओपन होने के बाद भी यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद ओपन हो तो इसको क्लिक कर देना आपने। और स्टैंडर्ड और मिनिमम इनके साइज हैं और बाकी ऑप्शन हैं तो आपने यहाँ पे सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से ये जो फाइल्स हैं हम लोग पावर पॉइंट से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों का शेयर कर लें। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।